सबसे पहले मैं नवाब असलम रेसानी सरावन हाउस की तरफ से तमाम मेहमानों ने ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए और इस इंतहाई अहम और तारीखी जिरगे में अपना हिस्सा डाला। साथ साथ नवाब साहब का ये पैगाम है कि ये जिरगा जो फैसला करेगा उनका उसको मुकम्मल ताइज और हिमायत हासिल होगा और इंशाल्लाह सरावान और बलूचिस्तान के तमाम कबाइल उनके कंधे के साथ कंधा मिला के इस कौमी हुकूक के जदोजहद में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं तमाम मेहमानान ग्रामी का मशहूर हूं और उसका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ अगर कोई हमसे कोताही हो आपके पजीराई में, अगर कोई कमजोरी हो तो हम सब की तरफ से आप हमारा माजरत कबूल करें। उन मेहमानान का कि जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, आपके बॉडीगार्ड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, क्योंकि एक महदूद मखसूस जिरगा था, मेहमान थे, इसलिए कुछ लोगों को बाहर इंतजार भी करना पड़ा, उनसे भी हम माजरत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें माफ करेंगे। साथ साथ मैं हाजरीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस्तिकामत और सब्र के साथ 6-7 घंटे के ये जिरगे को सुना और अपना नुक्ते नजर भी बयान किया। उन मेहमानान गिरामी से भी माजरत की जिनको शायद उनका ख्वाहिश था कि वो बात करें मगर उनको बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मशरान ने भी बात की। हमने उन साथियों को या उन मोजिज अराकीन असेंबली को या मोतबरीन को दावत दी, उनसे फिर एक दफा आपके मीडिया के थ्रू मोतबरीन मोजिजीन के तवसुत से ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है और उनका होना आइंदा के जिरगों में इंतहाई जरूरी है क्योंकि हम अपने तारीख और आइंदा नस्लों को जवाबदेह हैं। जो जदोजहद मुत्तहिदा कबाइल कमेटी ने की, आज वो पूरे सूबे में फैल गया और सबको इन्होंने बेदारी दी। हम वो जंग लड़ रहे हैं कि जो जोब या कलाब या सरावान जालवान मकरान खरान के एक सादा लो चरवाए का है, एक सादा लो बजगर का है जिसको पता भी नहीं कि उनके पहाड़ पे किसके नजर है और कौन उनको हड़प करना चाहता है, उनके चरागाह पे किसका नजर है और कौन उनको हड़प करना चाहता है, उनके छोटे मोटे खुशकाबे और बंदात जो कि जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान खाता को उनको पैमाइश करें, उन पे किसी का नजर है। हमने सबका जंग लड़ना है और जो मेरे मोहतरम भाई जो एक सियासी या कबायली मकाम रखते हैं, ये दावा करते हैं कि वो इस सूबे के खैरख्वाह हैं, उनको चाहिए कि जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें ताकि अपने उन सादा लो भाइयों का जो आज भी उस पहाड़ उस वादी उस खुशकाबे का उस बंद का दावा करते हैं कि उनका अजदाद का जमीन है और उनको आइंदा एक नाम नियाद कानून साजी के तहत या रियासती ताकत के तहत अगले चंद बरसों में उनको अपने मर्जी के मुताबिक छीनेगा, उनका सबका जंग लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं। आज साहिब सदर हमारे शहजादा साहब सुबह से यहां मौजूद है और उन्होंने अपने बाबरकत शख्सियत से इस जिरगे को तवाना और इज्जत बख्शा है। यहां पश्तून कबाइल के सरबरा जनाब नवाब अयाज साहब भी मौजूद है, उनका भी शुक्रिया, वो मेहमान खुसूसी हमारे हैं। नवाब शवानी है, जनाब हमारे काकड़ और तरीन
यहाँ मामशे कबीले के मोतबरीन, सरपर्रा कबीले के मोतबरीन, यहाँ बंगुजे कबीले के मोतबरीन नुमाइंदागान, इसी तरीके से जिन हजरात को यहाँ लांगव कबीले के मोतबरीन भी थे, सबको हमने मदु किया था और जो लोग आए उनका शुक्रिया, वो अपने कौमी फरीजा अंजाम दे रहे हैं। मैं साहिब सदर और मेहमान खुसूसी एक दो मिनट चाहता हूँ, ये बेअदबी कि उनके बाद बात करूं, क्योंकि उनको उनका शुक्रिया भी अदा करना था। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि हम ने एक कानूनी जंग भी लड़ना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। अजहर खान अचकली साहब यहां तशरीफ रखते हैं, वो सूबाई हुकूमत में एक हिस्सेदार है, उनका मरकज में भी एक नुमाइंदा है और इसी तरीके से सूबे में भी है। मेरा अजहर खान अचकजई से ये अपील है और इस जिरगे के तवसुत से, जिस जिरगे में उन्होंने कबायली हैसियत और सियासी हैसियत से अपने कौम और इस सरजमीन का नुमाइंदगी किया है, वो अपने सूबाई हुकूमत से, जाम साहब से ये बात करें कि जो केस हम या हमारे साथियों ने लार्जर बेंच हाईकोर्ट में जीता है, अगर जाम साहब और सूबाई हुकूमत में कुछ लोग इस सूबे के यहां के आम लोगों के, यहां के बेचारा और बदबख्त बदहाल गरीब लोगों का, दहकानों के नुमाइंदा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस सूबे के मुफाद में जो फैसला हुआ उसके खिलाफ न जाए, वरना फिर एक दिन उनका जो माजरत खाना लहजा और बात होगा, तो फिर जब हमारी जायदादें, हमारे अजदाद के सरजमीन, हमारे पहाड़, हमारे वादी हमसे नदी नाले छीने जाएंगे, तो लोग उनको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखेंगे। तो अचकजी साहब आपका मशहूर है, आप हुकूमत में हैं, मगर मेरे फोन पे आप तशरीफ लाए। हमने कार्ड नहीं बांट रहा था क्योंकि हमारे जो कमेटी है उन्होंने कहा कि इस जिरगे को जल्दी से होना चाहिए, तो ये जिरगे का पैगाम आप बराए मेहरबानी पहुंचा दें और हमारा आवाज भी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के साथियों से पूछा कितने लोग इसको देख रहे हैं, तो हमारे जिरगे के इब्तदा सुबह जब शुरू हुआ तो 2.5 लाख के करीब लोग इसको मुख्तलिफ यहां जो सोशल मीडिया के चैनल है उससे देख रहे थे। अब फिर दरमियान में जब ब्रेक आया कुछ कम हुआ, फिर बढ़ गया है, लोग बलूचिस्तान का आपका आवाज सुन रहे हैं। और हमारा ये अपील है कि आप ये मौका न दें कि फिर हम यहां जाके वकील करें और करोड़ों रुपए खर्च करें। आप अपने बलूचिस्तान के लोगों का मुखालफत में खड़े हो और फिर हम उनके हिमायत में खड़े हो, ये एक बहुत बड़ा तजाद होगा जिससे आइंदा नस्लें अच्छे अल्फाज में उन लोगों को याद नहीं करेंगे। और मुझे तवक्को उम्मीद है कि आप एक जरूरतमंद इंसान है और उनके साथ बात करेंगे, अपने सूबाई जो हुकूमत है उनका जो वजरा है उनके काबीना उनके साथ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में न जाए। तो फिर अगर वो जाएंगे इसका मतलब यह है कि वो आम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे हमारे नुमाइंदे नहीं है और फिर उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेंगे। साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे हजरत साहब, प्रोफेसर साहब खान यूसुफ साहब और हमारे जो साथी जिन्होंने इस आज के जिरगे के निकात में मदद और ताउन किया है, जो साथी बाहर खड़े हैं, हमारे रजाकार साथी हैं, सड़क पे सुबह से खड़े हैं, जो इस जिरगे को कामयाब करने में और इसकी हिफाजत करने में, क्योंकि हालात समझ नहीं आते कि इस मुल्क में कौन काम किसके कंट्रोल, उनका भी मैं आप सबके तवसुत से, जिरगे के तवसुत से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ऐलानिया कमेटी का मीटिंग कल होगा और कल हम ऐलानिया को जारी करेंगे। आज जो हमारा खबर जा रहा है तो मीडिया के तवसुत से चला गया, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा जी कल जो है पैगाम है, तो इस वजह से अगर इसको परसों के लिए रखें, परसों क्योंकि कल पैगाम है, तो परसों हमारा 3:30 बजे ढाई बजे हमारे ऐलामिया कमेटी बैठेगा परसों, और फिर हम उसको प्रेस में लाएंगे, जो हमारे आज जो यहाँ मौजूद मेहमान ने, ग्रामीण ने
जो अपना इजहार ख्याल किया है, जो हमें समझाया, जो हमारी रहनुमाई की, उसको हम परसों जारी करेंगे। साथ साथ हम एक और भी कमेटी जिसमें जाफर खान मंदुखेल, जिसमें हमारे सीनियर साथी, हम फिर उसी में मशावरत करेंगे कि अगर सूबाई हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर हमने किस तरीके से अपना दिफा करना है, उस पर भी हम लाइव अमल तैयार करेंगे। मैं आखिर में तमाम मोजिज अराकीन साहिब सदर, जनाब मेहमान खसूसी, मोहतरम नवाब साहिबान, सरदार साहिबान, सेनेटर साहिबान, एमपीए, एमएनए सबका, मशहूर मलिक साहिबान और जो अपने इलाके से मोतबर आए हैं, मैं फिर से अगर कोई कभी कोताही हो आपके पजीराई में आपसे माजरत करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी आप इंतजार करें ताकि हम फिर बड़े तसली से अपने मोजिज मेहमानों को उनके गाड़ियों में बिठाएं ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई बदनजमी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आप सबका मशहूर हूं और उम्मीद ये है कि हम और आप आगे बढ़ेंगे। यकीनन एक बोरान या अंधेरे के बाद एक सुबह रोशन होगा और वो हमारे और आपके कोशिशों से होगी। इंशाल्लाह हमारे आइंदा नस्ल ये अच्छे और पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। आप सबका शुक्रिया।